अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे अगवानी मटन। तो देखिए हमारे पास ये आधा किलो मटन है और हमने इसे अच्छे से वॉश कर लिए और हम इसे कुकर में डालकर गला लेंगे। तो हम एक कुकर ले लेंगे और ये सारा गोश्त हम कुकर में डाल देंगे और इसे हम गला लेंगे गोश्त को। और ये गोश्त को हल्का सा टाइट ही रखना है, ज़्यादा हमें गलाना नहीं है। और बाकी के मसालों में ये अच्छे से भुनाई में गल जाता है, इतना हमें रखना है। एक टीस्पून हम अदरक लहसुन डालेंगे। अपने हिसाब से हम हल्दी डालेंगे। एक टीस्पून हम नमक डालेंगे और इसे हम मिक्स कर कुकर का ढक्कन लगाकर इसे हम गला लेंगे। देखिए हमने गोश्त को मसालों में अच्छे से मिक्स कर दिए। अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसे गलने तक गैस पर रख देंगे। देखिए हमने गोश्त को चेक करेंगे। देखिए गोश्त हमें जिस तरीके से होना था वैसे ही गल चुका है ये। अब हम ये सारा गोश्त निकाल देंगे और जो इसकी जो यखनी है हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए हमने गोश्त और ये इसमें के जो अखनी है, ये शिरवा है जो गोश्त का, हमने वो भी निकाल लिए और हम इसके अब मसाले बनाएंगे। तो ये हमारे पास दो मीडियम साइज़ की प्याज है, हमने इसे रफली कट कर लिए। और ये 10 से 15 हरी मिर्च है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। मैंने ये 10 से 15 ली। और एक मुट्ठी हमारे पास कोथमीर है। तो हम सबसे पहले ये मसालों को पीस लेंगे। देखिए हमने मसालों को पीस लिए और अब हम इसे एक साइड में रखेंगे। और ये जो हमारे पास गोश्त है तो हम एक कढ़ाई में तेल डालकर ये गोश्त को गोल्डन कर लेंगे। देखिए हमने तेल रख दिए, अपने हिसाब से तेल डाल दिया। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और ये हम इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त को हमें गोल्डन करना है। देखिए हमने सारा गोश्त डाल दिए। अब हम ये गोश्त को अच्छा गोल्डन कलर आने तक के इसे हम तल लेंगे। देखिए गोश्त अच्छे से गोल्डन हो चुका है। अब हम ये सारा गोश्त एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए हमने गोश्त एक प्लेट में निकाल लिए और ये गरम तेल है। अब हम इसी गरम तेल में सारे मसाले डाल देंगे। हम इसमें एक टीस्पून अदरक लहसुन डाल देंगे और हम अदरक लहसुन को हल्का सा भून लेंगे। देखिए अदरक लहसुन हल्का सा भून चुका है। अब हम इसमें जो हरा मसाला है वो डाल देंगे। ये हमने जो मसाला बनाए प्याज हरी मिर्ची कोथमीर का वो डाल देंगे। और अब हम ये मसाला डाल के मसाले को हम अच्छा इसकी कच्ची हो जाने तक के मसाले को हम भून लेंगे। देखिए मसाले अच्छे से भुने जा रहे हैं। अब हम इसमें दही डाल देंगे। देखिए हमारे पास ये दही है, ये 100 ग्राम दही है। हम इसमें सारा दही डाल देंगे और इसे अच्छे मिक्स करेंगे। अब हम इसे ढककर रख देंगे इसका तेल सेपरेट होने तक। अब हम इसे चेक करेंगे। देखिए इसका तेल बहुत अच्छे से सेपरेट हो चुका है और ये मसालों में से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। ये देखिए मीर जो गोल्डन कर कर रखे थे हमने गोश्त को, वो डाल देंगे। भाई जो हमने इसका गोश्त का जो शिरवा निकाले थे वो शिरवा भी डाल डाल कर इसे और भुनेंगे हम। पता देखिए जो गोश्त की अखनी है हम वो भी डालेंगे इसमें और हम ये धीरे धीरे डाल डाल कर इसकी भुनाई करेंगे। देखिए इसमें हम ये अखनी और डालेंगे और ये इतनी हम बचा लेंगे और इसका हम और तेल सेपरेट होने देंगे और फिर हम जो मसाले डालना है बाकी के हम वो मसाले इसमें डाल देंगे। देखिए इसका तेल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की आँच को हम धीमा कर लेंगे और हम मसाले इसमें डालेंगे। ये हमारे पास एक टीस्पून चाट मसाला है, एक टीस्पून हमारे पास भुना कूटा गरम मसाला है, एक टीस्पून हमारे पास ज़ीरा पाउडर है, ये भुना हुआ ज़ीरा है। ये गरम मसाले को भून कर पीसे थे। और ये काली मिर्च पाउडर है, ये भी एक टीस्पून है, एक टीस्पून ये कसूरी मेथी है, हमने इसे भून कर हाथों से क्रश कर लिए और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम और 5 मिनट तक के मसाले डालने के बाद भूनेंगे। और ये देखिए हमारे पास ये घर में जो दूध होता है उसकी मलाई है, हम वो डाल देंगे।
और ये मलाई 1 टीस्पून ही डालना है, ज़्यादा नहीं। अगर आपके पास अमूल की फ्रेश क्रीम है तो वो भी डाल सकते हैं आप, लेकिन घर की मलाई से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए हम इसे गैस की आँच को हम धीमा कर देंगे और इसे हम एक दो मिनट ढककर रख देंगे। अब हम इसे चेक करेंगे। देखिए इसका तेल बहुत अच्छे से सेपरेट हो चुका है और ये मसालों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और जो हमने ये गोश्त की अखनी बचा कर रखे थे, हमें इतना गाढ़ा तो नहीं रखना है। अगर आपको इतना गाढ़ा रखना है तो आप रख सकते हैं भुना हुआ ये। तो ये जो हमारे पास अखनी बची हुई है तो हम ये सारी अखनी इसमें डाल देंगे। बस हमें इतना ही, ये पतला होना, ज़्यादा नहीं। देखिए बहुत अच्छी तरीके से बन चुका है, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। देखिए अगवानी मटन बनकर रेडी हो चुका है। और रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ दुआओं में, याद रखना। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक अच्छी रेसिपी के साथ।